लगता है आपको कि 2024 का जो चुनाव है मंगल सूत्र और मुसलमान तक आ गया है, तो क्या लगता है कि मुद्दे से हटाने वाली बात की जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब डूबता हुआ आदमी चारों तरफ हाथ पैर मारता है, ऐसे डूबते हुए नेता, डूबते हुए सरकार, उटपटांग बातें करते हैं, उटपटांग बयान देते हैं। जब इनकमेंट गवर्नमेंट जो वर्तमान सरकार चुनाव के दौरान उटपटांग बयान देने लगे, तो आप समझ लेना कि दिन और घंटे गिने हुए बचे रह गए हैं। बयान दिया है जिसमें उन्होंने श्री पांडे को कहा है कि ये केवल इधर उधर की ही बात करते हैं, उन्होंने सपा को मजबूत करने का, तो इस पर आप क्या मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आप अपना बयान जरूर जारी रखिएगा। आपका घोषी लोकसभा में दिया गया बयान मेरे लिए वोट बढ़ाने का काम करता है। जो आप लोगों का अहंकार और वाणी है, कमेंट में उच्छापन है, वो जनता समझती है। और आप लोग जितनी बार बयान देते हैं, हमारा उतना वोट बढ़ता रहता है। आपको मैं घोषी में आमंत्रित भी करता हूँ आपके प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि जब आएंगे आप लोग बोले बिना बाज नहीं आएंगे और आपकी हकीकत जनता जान गई। एक बात और उन्होंने कहा कि भगवा टोपी और लाल टोपी और कुछ जालीदार टोपी है, तो ये क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं? अरे ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ हमारे ट्रॉमा सेंटर का क्या हाल है, यहाँ हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट कहाँ है, अपने अस्पतालों में जो तड़प रहे हैं मरीज, उसके बारे में कब बात करोगे? ब्रजेश पाठक जी इधर उधर की बात क्यों करते रहते हो? जो आप मंत्री बने उस विभाग की तो बात ही नहीं करते, लोग समझते ही नहीं है। यहाँ आप पत्रकार बंधु है और मेरी आवाज आ रही है तो यही मोह में डॉक्टर हेलमेट से पत्रकार की पिटाई कर देता है। और डॉक्टर आप ट्वीट करते हो, ब्रजेश पाठक जी अगर याद नहीं हो तो आप ट्वीट करते हो कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई, लगभग 8 महीना हो गया, क्या हुआ क्या हुआ? नहीं जवाब देंगे आप ब्रजेश पाठक जी? आप जैसे लोग न राजनीति के लिए ठीक है न सरकार के लिए ठीक है। केशव मौर्य ने भी एक बयान जारी किया है, उन्होंने ये कहा है जिस तरह से सपा अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, अब इसका वजू समाप्त हो रहा है, अब ये 2024 में ये खत्म हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी सीट को हार जाने वाले व्यक्ति पर बोलापन बड़बड़ बोलते रहना इन लोगों का, इसके अलावा तो कोई पूछता नहीं है इनको। ये लोग उत्पटांग बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं और बयान देते रहते हैं, आप लोग दिखाते रहते हो। कभी आप लोगों ने इनके कामों की चर्चा किया? मैं आप पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ, कभी आप उनके किसी काम की चर्चा किए? कभी हमसे सवाल पूछे कि उन्होंने ये काम किया? अभी याद भी नहीं होगा कि दोनों कोई काम भी करते हैं। तो ऐसे जो निकम्मे उप मुख्यमंत्री लोग हैं, इनकी बातों को आप तरजीह मत दिया करिए, क्या बोलते हैं नहीं बोलते, इनसे खाली ये पूछा करिए कि आपने अपने विभाग में क्या किया। मुख्यमंत्री जी ने भी एक आरोप लगाया है कि जो श्रीपाल जी है, सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो चूर्ण तक ही सीमित रह जाती है, तो ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पदाधिकारी आप मंत्री खूब बाल काट रहे हैं और चुनाव प्रचार के नाम पर भी माल ले रहे हैं, आप उनको मलाई खिलाते रहिए। हमारा चूरन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है, चूरन के साथ ही सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भी मिलता है। आप तो योगी हैं, आपको मैं समझाने वाला कौन हूँ? आपके लोग जो मलाई काट रहे हैं उस मलाई से उनको देकर खुश रहिए। एक बात और सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अब जो महिलाओं के ऊपर जो आभूषण थे उस पर अब सरकार बनती है, ये निचले भाषा की, निचले स्तर की पराकाष्ठा है। ये लोग की हड़बड़ाहट, छटपटाहट, घबराहट और फ्रस्ट्रेशन में इस तरह बोल रहे हैं। 10 साल के बाद सरकार चलाने के बाद इनके पास जनता को कहने के लिए कुछ है नहीं कि आपने कुछ दिया। इस तरह के घटिया भाषा देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हिंदुस्तान के लोगों में मंगल सूत्र सोने के क्या है? अब मैं उस व्यक्तिगत कमेंट पर उस स्तर को तर्क नहीं देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बयान दिया है कम से कम खुद के बारे में सोचे कि उन्होंने क्या किया है। वरासत बताता रही है कि जो अब यहाँ की वरासत है जो आएगी, दूसरे पीढ़ी आएगी, तो उसमें उनकी कटौती होगी और सरकार की सीमा में जाएगा। ये कौन बात कर रहा है? भाजपा के लोग बात कर रहे हैं, तो भाजपा के लोग बात नहीं कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। जो लोग बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको चुनाव के समय जनता के लिए क्या किया और जनता के लिए क्या करना चाहते हैं वो वाले मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं है।